Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम MS Word को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस फंक्शन के बारे में आज सीखने वाले हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हमें सीखना है टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है. तो टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में हमें सीखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये रेफरेंस टैब में होता है. रेफरेंस टैब में यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहा होगा और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे वो हम अब समझने वाले हैं. तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके अब यहाँ पे मैंने एक पेज इंसर्ट करा, ये पेज हमारे पास पहले से मौजूद है और कंट्रोल प्लस जेड मैं प्रेस कर कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करूंगा तो हमें क्या होगा कि एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा. तो कंट्रोल के साथ मैं प्रेस करता हूं इंटर और यहां इंसर्ट हो गया दूसरा पेज. यहां पर आप देख सकते हैं ये दो लिखा हुआ है, पेज नंबर दो. तो यहां पर हमें क्या करना है, एक चैप्टर जैसे मान लीजिए आप किताब लिख रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप किताब लिख रहे हैं और आपके किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है एम एस वर्ड. मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं इसको. और इसको हम क्या करेंगे, इसको हेडिंग वन के फॉर्मेट में बना देंगे. यहां पर देखिए होम टैब पे आइए और यहां हेडिंग वन टू थ्री ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो यहां पे इसको हेडिंग वन बना दीजिए. ये हो गया. अब इसके अंदर हमको कुछ लिखना होगा. अब ये चैप्टर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो जो भी आपको लिखना है यहां पर लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हो. ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया, ये एम एस वर्ड का चैप्टर है. और इसके बाद अब हमें अगला चैप्टर लिखना है, जिस चैप्टर का नाम कुछ हम दे सकते हैं, यहां पे दे देते हैं. यहां पर मैं लिखता हूं एम एस एक्सएल EXCEL. ठीक है, और ये हमारे दूसरे चैप्टर का नाम होगा और इस चैप्टर में हम इसको हेडिंग टू के फॉर्मेट में बना देते हैं. और इसके बाद कुछ इसमें हम कुछ लिख देते हैं, तो ये शॉर्टकट मेथड मैं यूज़ कर लेता हूँ. तो ये देखिए, ये एम एस एक्सएल के बारे में हो गया. अब तीसरा जो चैप्टर है वो पावर पॉइंट का है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम एस पावर पॉइंट POWERPOINT MS PowerPoint भी हमने लिख दिया. अब ये PowerPoint जो है तीसरे पेज पे आना चाहिए, ये इसी पेज पे नहीं रहेगा, ये तीसरे पेज पे रहेगा. तो कंट्रोल इंटर प्रेस कीजिए ताकि तीसरा पेज इंसर्ट हो जाए. अब यहाँ हम लिखेंगे MS PowerPoint एक डेमो दे रहा हूँ मैं कि किस प्रकार से किताबों की छपाई होती होगी, किस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, उसका मैं डेमो दे रहा हूँ. तो इसको ध्यान से समझिए और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको बना दीजिए हेडिंग थर्ड, क्योंकि ये तीसरा चैप्टर है तो हेडिंग थर्ड में इसे कन्वर्ट कर दिया हमने. अब इसके अंदर कुछ लिख देता हूं मैं. ठीक है, तो ये भी देखिए इन तीनों चैप्टर्स में कुछ ना कुछ लिख दिया गया है. ठीक है, और ये जो पहला पेज है ये मैंने विषय सूची यानी कि इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट के लिए रिजर्व रखा है. तो अब हमको इस पे जाना है. ठीक है, इस पे हम चले गए और हमें क्या करना है, यहां जाकर के अब रेफरेंस टैब पे क्लिक करना है और यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट पे जाइए. और टेबल ऑफ कंटेंट पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल, चूंकि हमारे पास तीन चैप्टर हैं तो हम यहाँ तीन ही रहने देते हैं और ओके प्रेस करता हूँ जैसे ही. तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये विषय सूची के तरह की चीज यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर यह दिखा रहा है कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अगर आपको पेज नंबर वन पे जाना है, चैप्टर नंबर वन पे जाना है, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं. यहाँ पे आप खोज लेते हैं कि पेज नंबर दो पे, तीन पे जाएंगे तो एम एस एक्सएल, चार पे जाएंगे तो एम एस पावर पॉइंट. तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ यहाँ पे लिख के आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक. तो मैं जैसे ही कंट्रोल दबाता हूँ तो देखिए क्या होता है, उसके बाद हमें क्लिक करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पावर पॉइंट पर आ गए. तो यही टेबल ऑफ कंटेंट होता है. आई होप की बात समझ में आई होगी कि कैसे हम इसको यूज कर पा रहे हैं. ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि मुफ्त में यह नॉलेज हर एक के पास पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.